नई शिक्षा नीति के विरोध में SFI ने आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। SFI का कहना है कि ये नीति निजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली है। छात्र संगठन ने इस दौरान नई शिक्षा नीति के विरोध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है। SFI के जिला सचिव कमल शर्मा ने कहा कि 2020 में कोविड के दौरान बिना किसी चर्चा के नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। नई शिक्षा नीति निजीकरण को बढ़ावा देने वाली है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी 10 में से 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वहां पर निजी स्कूल खोलकर लूट की छूट दी जाएगी। इस नीति को शिक्षा का व्यापारीकरण कर कुछ लोगों को लाभ देने के लिए लाया गया है। ये शिक्षा नीति सरकारी शिक्षा को खत्म करने की साजिश है। SFI इसे वापस लेने की मांग कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम कमल शर्मा है। मैं SFI शिमला जिला सचिव। आज SFI DC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रही है और ये प्रदर्शन हमारा उग्र प्रदर्शन है। हमने आज इस प्रदर्शन में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और हमने जो प्रदेश सरकार जो है रोहित ठाकुर हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है और CM जो सुक्खू है और केंद्र के जो हमारी सरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला भी यहाँ पे हमने फूंका है, उसके पीछे कारण ये जो नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार द्वारा 2020 में लागू की गई थी, वो शिक्षा नीति उस समय में लागू की गई थी जब पूरे जो हमारा पूरा देश है वो कोविड महामारी से जूझ रहा था। उस समय एक अवसर देखकर एक जो एक निजी सरकारी शिक्षा को खत्म करने की ये नीति जो आई है उसे पास कर दिया गया, जब शिक्षण संस्थान खुले नहीं थे, जब स्कूल कॉलेज खुले नहीं थे, जहां पर इस शिक्षा के नीति के ऊपर थोड़ा भी चर्चा नहीं हुई है। ये शिक्षा नीति पूरा जो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट है उसने भी कहा है कि जो 10 से और 15 किलोमीटर के दायरे के जो हमारे स्कूल्स है उसे हम बंद कर देंगे, और जो साफ तौर पे बताता है कि जो 10 से 15 किलोमीटर के हमारे सरकारी स्कूल्स है उसका कितना बड़ा रोल हिमाचल प्रदेश की शिक्षा के स्तर को बनाने में रहा है। अगर आज हिमाचल प्रदेश में पढ़े लिखे लोग हैं तो वो जो बिल्कुल 5 या 10 किलोमीटर बाद हमारे स्कूल थे वो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन आज की सरकार उसे बंद कर रही है। और वो शिक्षा नीति भी यही कहती है कि जो 10 से 15 किलोमीटर के स्कूल है उन्हें मर्ज कर दिया जाए और एक मॉडल स्कूल बनाया जाए। आज जो बच्चा बिना अपनी माता पिता की मदद से खुद अपने पैरों पे चलकर स्कूल जाता था, अब वो 15 किलोमीटर बाद, आप हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल कंडीशन देखिए, गांव दूर दराज में कितना बच्चा दो दो घंटे सफर करता है और वो पैदल जाके अब एजुकेशन लेगा, तो हर किलोमीटर बाद स्कूल। इसलिए हम इस नई शिक्षा नीति का भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं शिक्षा का निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। साथ में इसमें जो उच्च शिक्षा है जिसमें कि मल्टीपल जो एंट्री और एग्जिट सिस्टम रखा गया है कि जो आप जो फर्स्ट ईयर की 4 साल का जो 4 ईयर्स प्लान है इसके तहत आप फर्स्ट ईयर में आ सकते हैं और फर्स्ट ईयर में ही आप एक डिप्लोमा लेके जा सकते हैं और आने वाले 5-6 साल बाद दोबारा अपनी पढ़ाई वहाँ से शुरू कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाता है कि हम इस नीति के तहत सिर्फ मशीनरी तैयार कर रहे हैं, जो उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो कैसे हो पाएगा। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से हम आज शिक्षा नीति का भी विरोध कर रहे हैं और जिसमें हमने आज जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो भी पूरा स्टैंड नहीं ले रही है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किस हिसाब से सही हो सकती है, तो हमने उनका जो क्लियर स्टैंड नहीं है तभी हमने उनका पुतला दहन किया है। देखिए, जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हम इसे सही करने की बात ही नहीं, हम इसे टोटली ही जो इसको वापस लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस नीति को सिर्फ और सिर्फ कुछ जो इसका व्यापारीकरण और निजीकरण के ही कुछ लोगों को, चुनिंदे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इसका निर्माण हुआ है। जी, हो सकता है कि उसमें और सुधार करने की जरूरत है, लेकिन जो अब की शिक्षा नीति आई है जब हम उसको पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसमें निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो आज ही का ही अगर हम उदाहरण, पिछले कुछ दिनों पहले अमर उजाला में भी एक खबर छपी थी कि 10 या 15 किलोमीटर के दायरे के जो स्कूल है उसे बंद कर दिया जाएगा। अब वो स्कूल बंद हो गए तो ये तो जो प्राइवेट स्कूलों के लिए खुली छूट होगी कि आप उस 10-15 किलोमीटर के दायरे में आप प्राइवेट स्कूल खोल लीजिए, और आपको पता है प्राइवेट स्कूल के अंदर क्या फीसें वसूली जाती है। तो इस चीज को लेके हमने नई शिक्षा नीति का विरोध किया है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।